जब आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम करने के लिए एक आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। जब आपके अंदर एक लगन होगी तो आप उस काम को दिल से करेंगे। आप ये समझिए कि जब आप कोई काम करते हैं आपका लगन उसमें लगी होगी तो आप उसमें से जरूर सफल हो। आप ये समझिए कि जब नारद जी ने विवन करके एक बहुत बड़ा डाकू था, तो जब नारद जी जंगल से निकल रहे थे तो नारद जी ने उसमें देखा कि ये कोई बहुत बड़ा डाकू है। तो नारद जी ने उसको क्वेश्चन पूछा कि तुम जो भी चीज कर रहे हो उसके अंदर तो पाप कर रहे हो, उसके अंदर तुम ही भागीदार हो, तुम्हारे घर वालों का उससे कोई लेना देना नहीं। उसने कहा कि नहीं, मैं जो भी चीज कमा रहा हूँ उनके कमा रहा हूँ, तो इसलिए वो लोग भी इसमें भागीदार होंगे। नारद जी ने बोला कि भाई मुझे बांध दो, जाके एक बार कन्फर्म करके हो कि वो लोग इसमें पाप में भागीदार होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके वाइफ ने उसको कहा, उंगली मल को बोला कि तुम जो भी चीज कर रहे हो उसके अंदर वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम चोरी करके लाओ किसानी करके लाओ, उससे हमें क्या लेना देना। तो उसको हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो उसकी वाइफ ने बोला कि नहीं, हमने ही कहा कि तुम किसी को खून करके किसी को मार के हमें हमारा घर चलाओ। तो उस तरह से उसको अचंभा हुआ, उसे हमने पिताजी को पूछा। उसके पिताजी ने बोला कि मेरी तो जिंदगी पूरी हो रही है, जो भी मिल जाएगा मैं खा लूंगा, पर तुम जो भी करके ये सब जो चीज ला रहे हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो उसकी आंखें खुल गई और फिर बाद में वो वापिस नारद जी के पास गया कि उन्होंने प्रणाम किया और नारद जी को बोला कि नहीं, आपकी बात सही है, अभी जो मैं पाप कर रहा हूँ पाप के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। अब ये कहानी का अंदर ये चीज हुआ कि नारद जी ने फिर उसको कहा कि तू राम राम जपो और राम राम जपो और उस राम राम जपने से आपका कल्याण होगा। वो एक जगह बैठे राम राम जपने लगा। अब जहाँ जहाँ राम राम जपते हैं तो हमने कहा कि लगन, आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपकी लगन होनी चाहिए। तो राम राम नियमित जपने की वजह से उसको ऐसा अनुभव हुआ कि वो राम राम की जगह पे उसको मरा मरा सुनाई देने लगा। जब मरा मरा सुनाई दिया तो उसके बाद उसको हुआ कि ये तो बरा बरा निकल रहा है। तो फिर उसके बाद जब नाराज जी वहाँ पे भविष्य में फिर से गुजरे तो नारद जी को कहा कि भाई तो मरा मरा निकल रहे मुंह से, क्योंकि उसकी लगन थी, जो उसको बोला वो चीज वो कर रहा था। फिर वो मरा 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 करने लगा। तो नारद जी ने उनको कहा कि तुम एक काम करो, मरा मरा बोलो। तो वो मरा मरा बोलने लगा, तो जैसे मरा 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 तो राम राम निकलने लगा और धीरे धीरे करके राम नाम में उसकी लगन लग गई और भविष्य में वो बहुत विद्वान हुआ। अब इसमें कहने का तात्पर्य है कि आपको जिस चीज में, जिस मंत्र में, जिस साधना में आपको रुचि हो, वो राशि को, वो साधना को पकड़ के बैठ जाओ। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप राम राम जप रहे हो तो राम राम का जप करते रहो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो हनुमान चालीसा नियमित करते रहो, गायत्री मंत्र का पाठ करते हो तो गायत्री मंत्र पढ़ते रहो। आपकी रुचि और लगन उसमें होनी चाहिए। आप अगर किसी को पूछने जाएंगे तो जो कर रहे हैं वो भी चीज आप छोड़ देंगे। आपने कोई चीज की, आपने कोई चीज डिसाइड किया कि अभी किस दिन तक ये चीज राम राम का जप करेंगे, आपने डिसाइड किया कि किस दिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का 10-10 बार पाठ करेंगे, आपने नियमित तौर पर डिसाइड किया कि आप गायत्री मंत्र नियमित तौर पर पढ़ेंगे, तो पढ़ना चालू कीजिए। आप किसी की वो मत इंतजार कीजिए कि कोई आपको आके रोकेगा टोकेगा। आपने काम स्टार्ट किया, आपको जरूर उसमें सफलता मिलेगी। और आप मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक जो होता है कलयुग में, जितना भी राम नाम का जप है, भगवान का पाठ है, जितना भी आप करेंगे वही फलित होता है और वही लाभ देता है। और जो भी चीज आप करते हैं
उसके अंदर आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, लगन आपकी उसी तरह से होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो जप कर रहे हैं, उसको आपका मन उसमें लगा होना चाहिए। आप कोई चीज कर रहे हैं और आपका मन अगर उसमें नहीं लगा हुआ है तो वो सब एक मैकेनिकल चीज है, उसके अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जो कर रहे हैं उसके अंदर आपका मन उसमें लगा होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि हमें जो कर रहा हूँ उसमें मेरा मन लगा हुआ है। मन लगा हुआ है तो आपको जरूर उसमें सफलता मिलेगी। और भगवान ऊपर से देखते होते हैं, जैसे चित्रगुप्त, जैसे चित्रगुप्त का आपने काफी जगह पे जिक्र सुना होगा कि चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त वो नोट करता भी खाते में। अब चित्र और गुप्त काफी जगह कहा गया है कि चित्र यानी एक आपके आपके शरीर के ऊपर, उधर कंधों, दोनों कंधों पे, लेफ्ट कंधा और राइट कंधे के ऊपर एक जगह चित्र बैठता है, दूसरी जगह गुप्त बैठता है। तो चित्र जो है आप जो देखते हैं वो सबका चित्र लेता है, गुप्त यानी गुप्त तौर पे लिखता जाता है। आप जो भी कर्म कर रहे हो चित्रगुप्त नोट कर रहा है, इसीलिए कहा गया चित्रगुप्त। और वो जो नोट करने के बाद वो सब, जब आपका डेथ होता है तो वो चीज आपको नोट करके आपके पास वो रखता है, ये देखो आपने ये काम किया है। तो इसी की वजह से आप जो भी कर रहे हैं आपका वो चीज नोट हो रहा है। आपने सोचा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ और कल को मेरे पास और समय रहेगा, समय निकल जाएगा तो फिर आपको एक बार मुझसे राम राम बोलने के लिए भी आपके शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने में भी आपके शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। जो आज कर लिया, जो 1 घंटे में कर लिया, समझने का कि वो भगवान का वरदान है। इसलिए नियमित तौर पे भगवान का नाम लेना चाहिए, उसके अंदर कोई भी तनिक भी संकोच या कोई भी चीज नहीं सोचना चाहिए। आप पूरे विश्वास और लगन के साथ भगवान का नाम लो, पूरे विश्वास और लगन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।